पूरे जिले के कार्यकर्ता आए, उनका सबका अभिनंदन किया। साथ ही जहां मैं जा रहा हूं तो किसी ना किसी एक वर्ग के लोगों से, खास करके कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो वर्ग होता है उनसे बातचीत होती है। आज उसमें हमारा ये जो भट्ठा उद्योग है, ब्रिक लेन इंडस्ट्री, ज़्यादातर भट्ठे जो हैं वो झज्जर ज़िले में ही हैं। तो लगभग 35-36 लोग यहाँ आए थे झज्जर ज़िले के, और उन सब से उद्योग से संबंधित कुछ बातें, उनके कुछ सुझाव, उनकी कुछ समस्याएं, वो सब उन्होंने रखी हैं। प्रसन्नता की बात तो यह है कि आज से 2 साल पहले नई टेक्नोलॉजी, जिगजैग टेक्नोलॉजी लगाने की जो बात आई थी, उस समय भट्ठा उद्योग को काफ़ी परेशानी हुई थी। लेकिन चूंकि वो एक सरकारी आदेश इसलिए निकाला गया था कि किस प्रकार से एनवायरनमेंट जो एक प्रॉब्लम पॉल्यूशन की है उसको ठीक कैसे किया जाए, दिल्ली नज़दीक है, गुड़गांव नज़दीक है, तो NCR की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा आ रही थी, तो उस समय एक कंडीशन लगाई गई थी कि जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ये लोग आए। उस समय थोड़ी कठिनाई जरूर दिख रही थी, लेकिन आज सब लोग प्रसन्न हैं कि उसके ऊपर सारे भट्ठे जिगजैग पर आ गए हैं, और उस जिगजैग के कारण से इनको उद्योग की भी सहूलत हुई है। इनकी जो प्रोडक्शन है वो पहले 70% के आसपास प्रोडक्शन होती थी जितनी ईंटें लगाते थे, और आज 82% इनका जो ईंटों का जो रिटर्न है वो इनको मिलता है। तो 12% का लाभ हुआ है, इसमें उद्योग का भी लाभ हुआ है। तो मैं समझता हूँ इनका जो किया हुआ खर्च है उस 12% में बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। और भी जो इनकी कठिनाइयाँ हैं, जो पावर की कठिनाई इन्होंने बताई है, लेबर की कठिनाई बताई है, इस प्रकार के कुछ इश्यूज़ आए हैं, उन इश्यूज़ के ऊपर जितना ध्यान देने लायक बात होगी वो जरूर उनका ध्यान रहेगा। रोहतक की हमने बात की, रोहतक लोकसभा की सीट नहीं बल्कि एक किला जीता है, ये कैसे देखते हो? किला पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, भविष्य में क्या देखते? ठीक कहा आपने कि हरियाणा की सभी 10 सीटों में तो एक ऐसा फुटबॉल का मैच था या क्रिकेट का मैच था कि जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता, ऐसा ही था। लेकिन ये किला गिराने जैसी बात थी, तो हमने किला ध्वस्त किया है और इसका अपना एक आनंद है, तो वो आनंद आया है। हमारी अपेक्षा अब ये है कि जनता को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से और ज़रा अपनी सरकार की उपलब्धियाँ, हमारी आगे की योजनाएँ वो सब हम बताएंगे, और आगे आने वाले चुनाव में झज्जर जिले की 4 सीटें हैं, चारों की चारों हम जीते हैं, इसका हम प्रयत्न करें। सीएम साहब, अब एजुकेशन और हेल्थ दोनों पर एम्फोसिस करने की बात कह रहे हैं, तो एजुकेशन को लेकर अब आपने वो भी क्रक्स भी रख दिया कि जो अच्छे टीचर्स होंगे वो काम करेंगे। हेल्थ को लेकर हम बात करें तो जो पानी है बड़ा, हम पानी की उपलब्धता तो आ गई है लेकिन साफ पानी अभी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और वो शायद बीमारियों का भी बहुत बड़ा कारण बनता है, खासतौर पर उन परिवारों के लिए जो जरूरतमंद है, जिनको आप मदद भी देना चाहते हैं। ठीक, आपने जितने भी इश्यूज आते हैं हम एक एक इश्यू के ऊपर डिटेल्ड अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई है कि स्वच्छ पानी पीने का ये कैसे पहुंचाया जाए, चाहे शहर है चाहे गांव है। इरिगेशन की ओर से तो पानी की सप्लाई वो पर्याप्त हो गई है, लेकिन स्वच्छ पानी दिया जाए और फिर पानी के साथ साथ जो बाकी उस पानी का उपयोग भी ठीक से हो। इरिगेशन के माध्यम से भी हमने योजनाएं बनाई कि उसका समुचित उपयोग हो, वेस्ट पानी ना जाए, और जो पानी वेस्ट हो गया है उसको कैसे रीयूज करने का जो कार्यक्रम है वो भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं, ताकि पानी का अच्छा उपयोग हो, बार बार उपयोग हो, जमीन का पानी कम से कम निकाला जाए, ताकि जो लेवल गिरता जा रहा है इससे इस समस्या से निजात पाए। तो इन सब बातों की ओर हमारा ध्यान है। वो समय था कभी रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद विषय आया कि सड़क पानी और बिजली, अब उनसे ऊपर यह आया है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन चीज़ों पर ध्यान देने की अब आवश्यकता है, हम उसके ऊपर पूरा ध्यान। आज आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं लोग खर्चे का सिस्टम खत्म हो गया है, लोग कोचिंग सेंटर की तरफ बुक कर रहे हैं, क्या सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जो बच्चे प्लस टू कर लेंगे या कॉलेज में जाएंगे उनके लिए कोई विशेष व्यवस्थाएं हो, कोचिंग या इन सब चीज़ों की, जिससे हमारे बच्चे और ज़्यादा? बहुत पहले योजनाएं हैं जो ऐसे विद्यार्थी जो जिनके माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते, फीस तो प्राय सब जगह ही माफ है, लेकिन एक्स्ट्रा कोचिंग की भी व्यवस्थाएं गरीब बच्चों के लिए पहले से बनी हुई हैं, और जितनी मांग आएगी, डिमांड आएगी, उसको पूरा करेंगे। इन चीजों पर सरकार अपना दायित्व पूरा करेगी। पहले मेयर का, फिर जीत चुनाव, फिर उसके बाद लोकसभा, अब विधानसभा में क्या मान है, कितनी सीटें बीजेपी? प्रचंड बहुमत। नीचे चले गए।
ना। देख जान देंगे।